फिलहाल रुक करते हैं बालाघाट का, जहां इस वक्त एक जनसभा को डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है, अंदर से एहसास होता है प्रधानमंत्री हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है। और लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक, और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश ने संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है। कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह देकर के, हमारे दुश्मन को जगह देकर के हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते, फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते वो सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया, वो 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नरक का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर वो खराब कानून को बदलने का काम किया कि 3 तलाक भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। 3 तलाक के माध्यम से कोई धर्म की बहने हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी के जीवन में भी कष्ट आएगा तो माननीय मोदी जी वहां आगे खड़े होते हुए हमको दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना या हमारी लाडली लक्ष्मी बहने, मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिल्लाने लगे थे भाई बहन कि पैसा नहीं है, एक ही बार सरकार बनाइए, आगे कहां से लाओगे। हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे, ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है।
मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहां जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कावरे जी कह रहे थे, कावरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहां तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहां बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए। हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहां पर तीन उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है, और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है। हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं। हाँ, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं। हाँ, हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा, वो नारा लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं आज के अवसर पर राजनीति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा में ये जो अंदर का विनोद होता है, अंदर का भाव जो आता है, निश्चित रूप से वो आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है। मैं और आप सब मिलकर के आगे हम बढ़ेंगे, और मध्यप्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाएगी, मध्यप्रदेश को देश का नंबर वन राज्य की स्थापित करेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश कर रहा हूं। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है, ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी, जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों न हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है, उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी के वो अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए, बालाघाट से आप तस्वीरें देख रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बालाघाट पहुंचे और बड़ी सौगातें भी यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से आज बालाघाट को दी गई है।